हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये चैप्टर तो ऑलरेडी फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं बट स्टूडेंट्स वहाँ पर जो पी पी हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं और मैंने उसको एक्सप्लेन आपको हिंदी में किया था वो मैंने इसीलिए किया था ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स उसको समझ पाएं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी उसको समझने में इसलिए मैं आज स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो स्पेशली पूरा हिंदी में ही व्याख्या होगी और हिंदी में ही पीपीटी होगी मेरी कोशिश है स्टूडेंट्स जो भी आपकी क्वेरीज हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको लूँ उनको शॉर्ट करूँ उनका हल निकालूँ तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल साइंस का नाम लेते ही उनकी ऐसी हालत हो जाती है वो महसूस करते हैं कि अरे यार शिट अब सामाजिक पढ़नी पड़ेगी यार मुझे तो नींद आ जाती है कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्लिपी फ़ील करते हैं जो सो जाते हैं एसएसटी की क्लास में बट डोंट यू वरी स्टूडेंट्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है हम इसे एक स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमें एक जो दस वर्ष का स्पेशली जो गैप है वो हमें जानना जरूरी है कि उस दौरान फ़्रांस के अंदर क्या हो रहा था और ये जो समय था ये था 1789 यानी कि सत्रह से लेकर सत्रह तक का जो काल था जो समय था वो दस वर्ष का अंतराल था और इस दस वर्ष के अंतराल में फ्रांस के अंदर बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए थे उन बदलावों का प्रभाव इतना गहरा था जो आज के विश्व पर भी हम महसूस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी उस अंतराल में जो हुआ घटना हुई वो थी राजतंत्र की समाप्ति राजतंत्र यानी राजा का शासन राजा का तंत्र तो जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया था और गणतंत्र की स्थापना हो गई थी गणतंत्र का मतलब आप समझते हैं जहाँ पर अपना शासन स्थापित तो हो ठीक है फ्रांस अब एक गणतंत्र बन गया था और नेपोलियन जैसा जो निरंकुश शासक था उसके शासन का भी अंत हो गया था इन सबके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हमें फ्रांस की क्रांति से मिले थे जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है वो है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता फ्रैटर्निटी यानी बंधुता और इक्वालिटी मतलब समानता यानी कि समानता स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्य जो हमें फ्रांस की क्रांति से बने सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स आप एकदम से आप घर बनाना चाह रहे हो तो बगैर नींव भरे आप घर नहीं बना सकते ना ऊपर दीवार कैसे बनाएंगे जब तक आप नीचे का बेस तैयार नहीं करेंगे उसी तरह से किस हमें अपने देश के इतिहास को समझने के लिए या हिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी है हमारे लिए जानना कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था तो ये नीव है और इसको पढ़े बिना हम अपना घर है जो उसकी दीवारें नहीं बना पाएंगे हम अपने इतिहास को नहीं समझ पाएंगे तो अब आपको पता चल चुका है कि समानता स्वतंत्रता और बंधुता का नारा या मूल्य आपको कहाँ से मिले थे फ्रांस की क्रांति से अब जैसे आपकी मूवीज़ होती हैं फिल्में तो सभी देखते होंगे आप लोग तो फ़िल्मों के अंदर क्या होता है कई फिल्में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही जो हीरो है वो मर जाता है एंड फिर या वो जेल के अंदर होता है और सडनली आपको दिखाया जाता है फिर वो अतीत में जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ तो वो जो अतीत में जाना होता है वो होता है फ्लैशबैक ठीक है तो हमारी भी जो चैप्टर है वो कुछ ऐसी ही स्टोरी है जो फ्लैशबैक से शुरू होती है और फ्लैशबैक में जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो स्टार्टिंग कहाँ से है फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन यानी कि चौदह जुलाई सत्रह सौ नवासी का दिन है अब इस दिन हो क्या रहा है फ्रांस शहर में चारों तरफ आतंक का माहौल है लोगों को ऐसी अफवाहें मिली कि जो राजा है उसने कहा है सेना को कि शहर के अंदर जाओ और जितने भी नागरिक सामने आए सब पे गोलियाँ चला दो मैं मेरे शब्दों पर ध्यान दें विद्यार्थियों मैंने कहा है अफवाहें लोगों को ऐसी अफवाहें मिलती हैं कि राजा ने सेना को शहर के अंदर आने की अनुमति दे दी है और लोगों पर गोलियाँ चलाने की भी अनुमति दे दी है अब लोगों ने सोचा कि सेना हमारे साथ कुछ करे उससे पहले ही हमें सेना पर अटैक कर देना चाहिए तो सात हजार के लगभग जो लोग थे वो ज़बरदस्ती सरकारी इमारतों में घुस गए घुस गए मीन्स अटैक कर दिया क्यों किया क्योंकि उन्हें हथियारों की ज़रूरत थी उन्हें लगा राजा जो है हथियार कहाँ पर रखेगा सरकारी इमारतों में तो इसलिए उन्होंने सरकारी इमारतों पर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि हमें हथियार मिल सकें और हम सेना का मुकाबला कर सकें क्योंकि बगैर हथियार तो हम सेना का मुकाबला कर नहीं पाएंगे जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे ये फ्रांस का मैप है और इसके अंदर आपको पेरिस शहर नज़र आ रहा होगा ये फ्रांस है पूरा और यहाँ पर है पेरिस शहर अब जैसा मैंने एक लाइन बोली कि शहर के अंदर घुसने की अनुमति दे दी है इसका मतलब ये है कि पेरिस से थोड़ा सा दूर यानी पेरिस शहर से बाहर जो वहाँ का राजा था उसने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया था अपने लिए तो वो वहाँ पर रहता था और सेना भी वहीं पर थी अब राजा ने अनुमति दी कि अब तुम शहर के अंदर जाओ और लोगों पर को गोलियों से भून डालो ध्यान रखें ऐसी अफवाहें लोगों को मिली थी उसके बाद बहुत सारे ले लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक जेल थी वहां पर उस जेल के ऊपर अटैक कर देते हैं क्यों अटैक करते हैं क्यों हमला करते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा नफरत है राजा से राजा को दिखाने वाली हर चीज से जो भी राजा की शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो उस हर वस्तु से इन लोगों को बहुत ज़्यादा नफ़रत है तो ये उस जेल पर हमला कर देते हैं क्यों क्योंकि इन्हें लगा कि हमें सरकारी इमारतों में कहीं पर भी हथियार नहीं मिले तो जेल के अंदर हमें अवश्य ही हथियार मिलेंगे और वहाँ पर जो भी सात कैदी थे उनको आज़ाद करवा देते हैं और उसको पूरा तबाह कर देते हैं अब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं चारों तरफ फ्रांस में दंगा फसाद हो रहा है लड़ाइयाँ हो रही हैं पेरिस और गांव के जो लोग हैं वहाँ पर दंगा फसाद की अनेक घटनाएं हुई अनाज की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस तरह से एक के बाद एक एक के बाद एक जो घटनाएं हैं उनकी एक चेन से शुरू हो गई थी कि एक के बाद एक इवेंट होता जा रहा था लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं वो इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं क्यों वो राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने वाली हर सरकारी इमारत हर ताकत हर वंश हर जेल से इतनी नफरत क्यों करते हैं ऐसा क्या हुआ है ठीक है जैसा आप मूवी देखते हैं तो तब लगता है ना कि अरे यहाँ स्टार्टिंग में ही जो हीरो है वो तो देखो जेल के अंदर हो गया इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा तब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है तब हम भी अब फ्लैशबैक में चलते हैं हमें वहाँ पर जानना है फ्रांस में शासक कौन था यानी कि वो राजा कौन है जिसके विरुद्ध में लोग इतने गुस्से में आक्रमण पे आक्रमण कर रहे हैं दंगा फसाद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस समय फ्रांस पर जो शासन करता था वो करता था बुरबो वंश आपको याद रखना है वन मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस पे शासक कौन थे किस वंश का शासन था तो ब्रुबो वंश ये लुई फोर्टीन थे हैं जिन्होंने सोलह सौ से सत्रह सौ पंद्रह तक फ्रांस पर शासन किया ये एक निरंकुश शासक थे निरंकुश का मतलब होता है ऐसा राजा जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश ना हो यानी कि सारे डिसीजन वो खुद लेता है किसी की कोई बात नहीं सुनता है ठीक है अब उसने क्या किया सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण कर दिया यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे या जितनी भी शक्तियाँ थी सब शक्तियों को अपने हाथों में कंट्रोल नियंत्रित कर लिया अब वो जो है लगातार युद्धों में लगा रहता था लगातार युद्ध करता रहता था कभी किसी से कभी किसी से और विद्यार्थियों जब भी हम युद्ध करते हैं तो हमें प्रसाद या मिठाइयाँ तो मिलती नहीं है क्या होता है नुकसान होता है तो फ्रांस का भी लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण जो पैसा था वो सर सेना पर उसके हथियारों पर सेना को खाना पीना उपलब्ध कराने में सब में खर्च हो रहा था और धीरे धीरे करके फ्रांस के ऊपर कर्ज ले होना शुरू हो गया यानी कि उसका खुद का पैसा सारा ख़त्म हो गया सारा खजाना खाली हो गया अब वो दूसरों से ऋण लेता था तो उसने उधार लेना शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे करके फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया अब जब 1715 में लुई फोर्टीन की डेथ हो जाती है तो लुई फिफ्टीन 1715 से 1774 तक जो शासन करता है ये भी लगातार सात साल तक युद्ध में रहा था और जो कर्ज यहाँ पर लुई फोर्टीन की वजह से चढ़ रहा था वो और ज़्यादा बढ़ गया ये भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल भी नहीं था इसको प्रबंधन बिल्कुल नहीं आता था बस सिर्फ युद्ध करना आता था जो ये कर रहा था उसके बाद आता है हमारी स्टोरी का हीरो और वो है लुई सिक्सटींथ जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय शासक कौन था लुई सिक्सटींथ ये हमारी स्टोरी का हीरो है ये सत्रह में शासक बनता है और जब ये शासक बनता है तो इसकी उम्र जो है वो 20 साल थी ये इसकी नीयत साफ़ थी ये काम करना चाहता था लेकिन कोई भी कठोर निर्णय नहीं ले पाता था क्यों नहीं ले पाता था इस क्वीन अपनी क्वीन के प्रभाव की वजह से ये है मैरी एंतोइ जो कि एक बहुत ही बुरी सलाहकार थी और आप इस फोटो में भी इनका हेयर स्टाइल देख पा रहे होंगे तो अपने कपड़ों पर खर्च करने के और अपने हेयर स्टाइल के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थी इन्होंने शादी की थी मैरी एंटोट से जब लुई शासन बना, शासक बना उस समय फ्रांस पर आर्थिक संकट था लेकिन लुई सिक्सटीन को ये सब नहीं पता था उसने इमेजिन किया कि जब मैं राजा बनूंगा तो मुझे इतना सारा खजाना मिलेगा लेकिन शासक बनने के बाद जब इसने अपने राज्य की हालत देखी तो इसका वो सारा खजाना खाली हो गया और खाली खजाना देखकर ये क्या करने लगा रोने लगा इसने देखा कि फ्रांस के ऊपर तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट है क्यों क्योंकि इसने भी जो तेरह अमेरिकी कॉलोनी थी उनको ब्रिटेन से आजादी दिलाने में युद्ध किया था दूसरा इसने एक महंगा किंग कोर्ट बनवाया था जिसपे ढेर सारा पैसा इसने पानी की तरह बहा दिया अब जो फ्रांस उधार ले रहा था पैसा उसके ऊपर ब्याज दर बहुत ज्यादा लग रही थी जिससे फ्रांस जो है वो कर्ज के जाल में लगातार फंसता जा रहा था जब भी कोई व्यक्ति राजा बनता उसके शौक जो है वो बहुत शाही होते हैं तो ऐसे ही इसको पता था कि इसके पास जिस जिस खजाने का इसने सपना देखा था वो बिल्कुल खाली है फिर भी इसने कर्ज़ बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने पेरिस शहर से बाहर वर्षाए में एक बहुत शानदार महल बनवाया और ये है वो किंग्स कोर्ट जिसके ऊपर इसने अपना पैसा खर्च किया किंग्स कोर्ट मतलब राजा का दरबार जहाँ पर राजा बैठकर अपनी प्रजा की प्रॉब्लम सुनता है और कोई फैसले सुनाता है तो किंग्स कोर्ट बनाने में इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया क्योंकि बहुत कीमती शीशे से यह बनाया गया था जिस पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था दूसरी तरफ इनकी जो वाइफ थी इनकी पत्नी थी मैरी एंतोएत वो भी अपने कपड़ों पर अपने हेयर स्टाइल्स पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही थी तो धीरे धीरे करके इनके ऊपर लगभग दो अरब लिब्रे का कर्ज़ चढ़ गया लिवरे यहाँ की आ, फ्रांस की मुद्रा का नाम है जैसे हमारी मुद्रा का नाम रुपया है वैसे ही फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे है तो और ये वहाँ की लिबरे ऐसी होती थी ये मैंने फ़ोटो भी लगाई है यहाँ पर आप देख सकते हो तो दो अरब लिब्रे का कर्ज अब फ्रांस के ऊपर चढ़ जाता है तो सोचिए फ्रांस की कैसी हालत होगी बिल्कुल ही वो तो गरीबी में जीवन जी रहा था लेकिन इस सारे कर्ज का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा जनता पर क्योंकि राजा जॉब नहीं करता है उसके पास पैसा कहाँ से आता है वो जनता से कर वसूलता है अब इसके पास पैसा नहीं है यह अपने खजाने को भरने के लिए क्या करेगा जनता से कर वसूलेगा तो वर्षाए के महल पर किंग्स कोर्ट पर और युद्धों में विजय होने की वजह से बहुत सारा कर्ज जो है अब फ्रांस के ऊपर चढ़ जाता है अब हम बात कर लेते हैं फ्रांस के समाज की जब हमने बात की है कि फ्रांस का जो शासक है वो अपना खजाना भरने के लिए क्या करेगा समाज लोग के लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगा कर लगाएगा वहाँ पर समाज में तीन स्टेट होती थी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट के अंदर चर्चे जाते थे ठीक है क्लर्जी जिसको हम बोलते हैं सेकंड चर्च ए, के अंदर नॉबल्स आते थे और थर्ड स्टेट के अंदर जितने भी सरकारी अफसर थे वर्कर्स थे किसान थे वो सब थर्ड स्टेट में आते थे तो पहली जो दो स्टेट थी चर्च में काम करने वाले क्लर्जी और नॉबल्स वो कोई भी यानी कि सामंत जिनको हम कहते हैं तो सामंत और जो पोप थे जो गुरु थे कलर्जी थे वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे तो सारा टैक्स कौन देता था थर्ड स्टेट ये फोटो देख पा रहे हैं आप इसका मतलब यही है ये थर्ड स्टेट है और ये दो स्टेट हैं यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये दोनों इसकी पीठ पर सवार हैं ये क्या दिखा रहे हैं यानी कि इस थर्ड स्टेट को पूरे पूरे फ्रांस के अलावा इन दो का भी बोझ ढोना पड़ गया और सबसे मज़ेदार या आप कह सकते हो सबसे जो फ्रस्ट्रेटेड जो बात थी वो ये थी कि ये जो हैं ये भी थर्ड स्टेट से टैक्स वसूलते थे धर्म के नाम पर जिसे टाइथ कहा जाता था जो धर्म के नाम पर टैक्स लिया जाता था उसे टाइथ कहा जाता था टाइथ कह लो या टाइद कह लो ठीक है ये चर्च के द्वारा वसूलने वाला टैक्स था और एक टैक्स ऐसा था जो थर्ड स्टेट सीधा राज्य को देता था और उसके कहा जाता था टाइल तो दो टैक्स होते थे टाइल जो प्रत्यक्ष कर था यानी सीधा राज्य को दिया जाता था और टाइद जो चर्च थर्ड स्टेट से वसूल करते थे आपको समाज समझ आ गया तीन स्टेट थे फर्स्ट स्टेट के अंदर केवल चर्च थे सेकेंड स्टेट के अंदर सामंत थे और थर्ड स्टेट के अंदर बाकी जो पॉपुलेशन बच गई छोटे मोटे उद्योगपति छोटे मोटे मजदूर किसान सरकारी अफसर वो सब डॉक्टर इंजीनियर वो सब थर्ड स्टेट का पार्ट थे चाहे जिसके पास कोई भूमिहीन किसान हो या थोड़ा बड़ा किसान हो तो वो सब थर्ड स्टेट के अंदर आते थे और सारा जो कर है वो थर्ड स्टेट पे करता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट केवल अपने विशेष अधिकारों का मजा लेता था अब वहां पर पैदा हो जाता है जीविका संकट अब जीविका संकट क्या है जीविका संकट यानी हमारे जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता ये संकट उत्पन्न कैसे हुआ उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी लगातार बढ़ती जा रही थी अब जनसंख्या जब लगातार बढ़ेगी तो उसे खाना भी चाहिए होगा तो जिसकी वजह से जो अनाज था उसकी भी लगातार डिमांड बढ़ रही थी सबको खाने के लिए अनाज चाहिए था तो सबको अनाज चाहिए और जो मजदूर थे उनका वेतन बहुत ही कम था और निश्चित था उससे ज़्यादा वेतन उनको नहीं दिया जा सकता था उसी समय पर एक और बुरी चीज हुई कि जो फसलें थी वो भी खराब हो गई तो सूखे जैसी स्थिति हो गई एक समय जब सब लोगों को अनाज की इतनी ज़्यादा मांग थी सबको अनाज चाहिए था उसी समय पर खराब फसल की वजह से अनाज की कमी हो गई जिससे जो ब्रेड थी उसका मूल्य लगातार बढ़ गया कालाबाजारी होने लगी जो व्यापारी थे या जो दुकानदार थे वो ब्रेड को स्टोर करके रखने लगे और एक थोड़े समय के लिए ही वो उन्हें बेचते थे लोगों को काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता था और इसी इंतज़ार को लेकर के लोगों के बीच में खाने पीने को लेकर के अनाज को लेकर के दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जो औरतें हैं वो कई कई घंटों तक लाइन में खड़े होने के बाद भी ब्रेड उनको नहीं मिल पा रही थी जिससे उन्होंने जितने भी बेकरी शॉप्स थी उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया तो जीविका संकट वो संकट होता है जब आपके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है आपका जीवन सुरक्षित नहीं रहता है इसके बाद आता है वर्ग वो अब एक नए विचार और नई सोच के साथ मध्यवर्ग का उदय होता है इस मध्यवर्ग में डॉक्टर इंजीनियर वकील उद्योगपति सरकारी अधिकारी ये सब लोग आते थे ये नए विचार वाले थे शिक्षा में विश्वास करते थे कि सबको शिक्षित होना ही चाहिए शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार होना चाहिए इनका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और जैसा कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग अपने विशेष अधिकारों का मजा लेते थे ऐसा किसी भी समुदाय के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए और यदि आपको विशेष अधिकार दिया भी जाना चाहिए तो वो आप किस कुल में पैदा हुए हैं उस आधार पर नहीं जबकि आपके अंदर कितनी योग्यता है उस आधार पर दिया जाना चाहिए तो ये मध्य वर्ग की सोच थी और ये जितने भी आइडियाज़ थे मध्य वर्ग के ये सब उस समय के जो आ, लेखक थे उन्होंने भी अपने पुस्तकों में जो विचारक थे उन्होंने अपनी पुस्तकों में बहुत अच्छे से उनको समझाया जैसे जून जीन जेक्स रूसो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस पुस्तक में उन्होंने एक प्रतिनिधित्व सरकार की बात की थी यानी कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों का प्रतिनिधित्व करे लोग अपने में से ही अपना एक शासक चूज करें और जिस शासक को वो चयन करते हैं वो सरकार के प्रति जिम्मेदार ना होकर के जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए वैसे ही जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दैवीय सिद्धांत क्या है उस समय पर यह माना जाता था कि जो राजा है वो भगवान का रूप है भगवान ने इतने सारे लोगों में से यदि उसे राजा बनाया है तो वो भगवान को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है उसी का चुना हुआ बंदा है तो लोगों को उसके द्वारा दिए गए आदेशों को भगवान का आदेश मानकर पालन करना चाहिए तो जोन लोग ने कहा कि ये दैवीय जो सिद्धांत है उसमें राजा को जो भी निरंकुश शक्तियां दी जाती हैं उसका विरोध किया गया था उसके बाद मोंटेस्को जो थे उन्होंने स्प्रिट ऑफ द लॉज एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था संगवाद का जिक्र किया संगवाद क्या होता है संगवाद होता है जब सरकार के शक्तियां जो हैं वो दो या दो से अधिक रूपों में विभाजित होती हैं यानी कि सारी शक्तियां केवल सरकार के पास नहीं होनी चाहिए कुछ शक्तियां उसके दो या तीन या दो या दो से ज़्यादा रूप बना करके उनके अंदर डिवाइड होनी चाहिए और जब भी फैसले लिए जाएं तो सभी से पूछकर उन सब विषयों पर चर्चा करके ही सबकी सहमति से निर्णय लिया जाए तो संघवाद की बात की थी मोंटेस्क्यू ने और ये जितने भी विचार थे इन सब विचारों को लोग जब नाई की दुकान पर जाते वहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स में अखबारों में पत्रिकाओं में किताबों में इन सब विचारों के ऊपर चर्चा होती थी लोग इन सब पर बातें करते थे आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि हमें क्या करना चाहिए और ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एक नतीजे तक पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस विचार को मान्यता दे रहा है और जो बहुमत है वो किस विचार के साथ है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक आप मेरे चैनल के को सब्सक्राइब कर लें रेड वाले बटन को दबाकर उसके बाद एक घंटी आएगी उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका लिंक आपको पहले से मिल जाए थैंक यू वेरी मच